नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएन मीडिया और मैं हूं अरुण कुमार आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं गोहाना की सीएमआर एकेडमी में, जो कि भविष्य के सैनिक, भविष्य के ऑफिसर जो है वो बनाने का काम करती है। संदीप जी हमारे साथ है, ललित जी हमारे साथ है। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अरुण जी, आई वुड लाइक टू थैंक्स यू एंड योर टीम फॉर कमिंग हेयर एंड फॉर योर एप्रोप्रिएट टाइम। सर गलत तो नहीं कहा मैंने, भविष्य के ऑफिसर सैनिक definitely. या जो आप तमन्ना करते हैं, एक विश लेके हमारे पास आइए, हम पूरी कर देंगे। डेफिनेटली सर, हमारा जो मोटिव है सर, प्रॉपर एजुकेशन विद रिलेट टू द प्रॉपर विजन। जो हम ये धारणा रखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स हमारे पास आए तो वो एक अच्छा ऑफिसर बन के जाए, उसका बेस इस हिसाब से तैयार करते हैं कि आगे आने वाले समय में उसको ज़्यादा, देखो आज का जो ज़माना है अरुण जी, बहुत कंपटीशन का ज़माना है, और हमारा ऐसा मानना है कि बच्चों को जैसी फीडिंग दोगे, बच्चे इस उम्र में बहुत बहुत चीज़ें सीखते हैं, बट बेशर्ते उनको आपको फीड करने का, क्या आइटम उनको फीड कर रहे हो आप, ये बहुत डिपेंड करता है। लेट्स सी, अगर किसी की कैपेबिलिटी 100 में से 10 सीखने की है, अगर आप उसको 100 में से 10 चीज़ें दें, 10 ही सीखेगा वो। और पैरेलली अगर मैं बात करूं, अगर आप उसको 1000 चीज़ें फीड करोगे तो उसी हिसाब से लर्निंग गेन करेंगे। ये बेसिकली एक एज ऐसी होती है सर, जैसे कि हमारा, मेरा मानना ऐसा है सर कि जो पेड़ होता है छोटा, अगर छोटा पेड़ होता है, अगर उसमें आप किस तरह का खाद देते हैं, किस तरह का पानी देते हैं, किस तरह के सरकमस्टांसिस में उसको रखते हैं, वो उसके एक पेड़ बनने तक का टाइम निर्धारित करता है। तो हम इस तरह से सोचते हैं कि भाई जैसा बेस होगा वैसा उसका भविष्य होगा। ऐसे एक बात है, मैं एक थोड़े से राज की बात है, वो राज आपके खोल देता हूँ मैं। संदीप जी हमारे साथ है, जो जापान की मल्टीनेशनल कंपनी के करोड़ों रुपए के पैकेज छोड़ के आज गोहाना में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ललित जी हैं, सबसे बड़े जमींदार हैं और सबसे बड़े शिक्षाविद हैं, इनके खुद के स्कूल्स भी हैं, वहाँ से छोड़ के भी यहाँ पे टाइम दे रहे हैं गोहाना के अंदर, सिर्फ इस सोच के साथ कि गोहाना और आसपास के एरिए के जो हमारे बच्चे हैं वो क्यों इस चीज़ से वांछित रहें, क्यों इस चीज़ से दूर रहें कि हमारा सपना भी एनडीए में जाने का या सैनिक स्कूल में पढ़ने का, आरआईएमसी में जाने का, वो पूरा उसके। ललित जी है ना? नमस्कार सर। यस सर। नहीं, मैं गलत तो नहीं कहा ना? भाई इतनी बड़ी जमींदारी छोड़ के, खेती छोड़ के, स्कूल्स को छोड़ के, और आप यहाँ 24 घंटे का टाइम दे रहे हो? यस सर, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे फादर डॉक्टर रमेश चंद्र, उन्होंने हमें एक ही बात कही है स्टार्टिंग से कि बेटा ज़मीन जायदाद यहीं पे रहेगी, आप मेहनत करिए, लोगों के लिए काम करिए, और शिक्षा से बड़ा क्षेत्र आपके लिए कोई नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे यदि देश को आगे लेके जाना है और मतलब बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो शिक्षा से बड़ा सेक्टर नहीं है आपके पास। सर करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट छोड़ दिया, भाई मैं नहीं जाऊंगा जापान, कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे पूरा करेंगे? और देखिए, ये मेरे ख्याल से आपकी नहीं, मेरी भी तमन्ना है, हमारे गोहाना से आरआईएमसी में बच्चा सिलेक्ट हो जाए बस। डेफिनेटली सर, मैं, मेरी मिसिज, शी वाज द गवर्नमेंट टीचर इन दिल्ली इन द कुछ फाइनेंशियल ईयर पहले, और कुछ सरकमस्टांसिस ऐसे हुए बच्चे की एजुकेशन को लेके, और सिनारियो ऐसा डेवलप हुआ, फिर हमको ललित जी मिले, और ललित जी मिले तो फिर आगे बातें बढ़ी, और साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सामने क्या देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं एक मोटिवेशन फैक्टर है को उसको देखता हूँ कि दुनिया में अगर कोई कामयाब कर सकता है या तो अच्छा टीचर कर सकता है, टीचर सारे अच्छे होते हैं, पर बेशर्ते उसको डेडिकेशन कितना टाइम दे रहा है, बहुत सारी फीडिंग क्या है उसके अंदर। और रही सर प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद, मैंने वीटीआई वेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से वीटीआई से डिप्लोमा किया 2003-2006 में, देन आई अपीयर इन एमडी यूनिवर्सिटी बीटेक, उसके बाद फिर एक्मा एक कॉरपोरेशन है उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट, आईआईटी दिल्ली ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा, 8 से 10 बार मैं मोर देन 8 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट इन CFT QCC इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और फिर मैथमेटिक्स मेरा प्योर सब्जेक्ट रहा है और आई लव मैथमेटिक्स, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, काम करते गए और लगन होती गई, और अभी हाल फिलहाल में अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
अभी इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ मैं 150 में से 147 मार्क ही विल अचीव इन दिस एग्ज़ाम। और एक और बच्चा है उसके अभी 200 में से जो सैनिक 7th-8th स्टैंडर्ड में आता है 185 प्लस नंबर आएंगे। यही अचीवमेंट है सर। क्या बात है, मतलब वो कौन सी घुट्टी पिलाते होगे बच्चों को, आपने खुद ही तैयार हो जाते हो कि मेरा बच्चा इस बार तो ये क्वालिफाई करेगा ही करेगा? देखो सर, अपने एक्सपीरियंस बेस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वी एनालाइज द एग्ज़ाम। आप किस फील्ड में हैं, कैसी परफॉर्मेंस करेंगे, सबसे पहले ये डिपेंड करता है आपने उस चीज़ का एनालिसिस क्या किया है। अगर आपके पास प्रॉपर एनालिसिस है तो आप उसको इम्पैक्ट दे पाओगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक अभी पीछे मूवी आई थी दंगल, उसमें आमिर खान रोल प्ले करता है, अपनी बिटिया को सिखाता है, वो कुश्ती दिखाता है, उसको किसी एकेडमी में डालते हैं वो चंडीगढ़। बट उसके फादर का डेडिकेशन था, वो उसके सामने वाले कंपटीटर की वीडियो दिखाता था कि इसके अंदर ये लिमिटेशंस हैं, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हम और हमारी टीम, हम क्या करते हैं, किसी भी पेपर को कंडक्ट करने से पहले, बच्चे को वहाँ पे अपियर करवाने से पहले उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि क्या किस पैटर्न पे पेपर चल रहा है। अभी अभी हाल फिलहाल में देखोगे ना, सैनिक स्कूल के पेपर में RIMC एनालिसिस के ऊपर चल रहे थे सर हम जी। तो एनालिसिस जरूरी नहीं है कि सर आप पूरे, हाँ आप कोई भी टारगेट लेके चले, लेट सी अगर आपके पास 100 मीटर की दौड़नी है तो आपके माइंड में 100 मीटर का दायरा जरूर रहना चाहिए। आप चाहे दौड़ो 200 किलोमीटर, आप जो बोल्ट था अभी जो जी, पिछली बार कई उसने गोल्ड मेडल जीते हैं, वो बोलता है कि भाई मैं सारा दिन 12 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, 12 से 14। कोई मेरी प्रैक्टिस को देखेगा तो कोई कह नहीं सकता कि इतनी इजीली गोल्ड ले लेगा, पर मेरे माइंड में मैं कितना भी दौड़ लूँ, मेरे माइंड में रहता वही ग्राउंड है। तो हम कितना भी एनालिसिस कर लें, कितना भी किताबें उठा के देख लें, कितना भी पढ़ लें, हमारे माइंड में रहता है वही एनालिसिस, पेपर का पैटर्न क्या है और उसके हिसाब से बच्चों को हमको कंडक्ट कैसे करवाना है। और एक चीज़ और अरुण जी, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चों को लगा के रखिए, वो आपको रिजल्ट देते हैं जी। सर आज गारंटी का ज़माना चल रहा है, मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं हर चीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ जो बच्चे ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो बच्चे सैनिक स्कूल RIMC या जहाँ पे भी पढ़ना चाहते हैं, जो उनका सपना है देंगे। सर हम अपने बच्चों को कभी भी जब एनरोल करते हैं, हमारा लास्ट ईयर फर्स्ट सेशन था, अभी हमारा फर्स्ट सेशन एज सून एज पॉसिबल ये कम्प्लीट हो गया है, और हम किसी भी बच्चों को जब अपने पास एनरोल करते हैं तो हम उसका एक रिटर्न एग्ज़ाम लेते हैं, रिटर्न के साथ साथ उसका मॉक इंटरव्यू करते हैं, उसके थ्रू हम बच्चे के अंदर उसकी कैपेबिलिटी का पता लगा लेते हैं। इट्स आवर एक्सपीरियंस, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना गेन कर सकता है, उसके बेस पे हम अपना कमिटमेंट देते हैं। बिल्कुल 110% कमिटमेंट देते हैं कि आज बच्चा इसका सैनिक स्कूल में होगा, मिलिट्री में होगा, RIMC में होगा, उसके बेस पे फिर हम कम्युनिकेशन करते हैं। और जब एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपने रिजल्ट के साथ बात करते हैं, लास्ट ईयर जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए, जिन्होंने अपना हमारे साथ जुड़े और हम उनके साथ जुड़े और उन्होंने हमको यहाँ काम करने का और अपना सपोर्ट देने का सौभाग्य उन्होंने दिया हमको, सारे पेरेंट्स खुश हैं, एक पेरेंट्स ने भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। उस रीज़न बिहाइंड यही है, जो कमिटमेंट हमने इनिशियल में करी थी आज भी हमारी वही कमिटमेंट है। जिस पेरेंट्स को हमने बोला था अभी लास्ट ईयर हमने कमिटमेंट किया था कि हमारे 6 बच्चों का सिलेक्शन होगा, और 18 बच्चों ने अपियर किया था, 17 क्वालिफाई हुए, 6 बच्चे का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ, हमने रिजल्ट आने से पहले डिक्लेयर कर दिया था और वो हुए, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा काम ही ये है। बिल्कुल सर, कब से एडमिशन्स हैं, कैसे आप लोगों को अप्रोच करें और कैसे काउंसलिंग वगैरह जो है वो फ्री रहने वाली है? हाँ बिल्कुल सर, अभी इसी नेक्स्ट सेशन की आगामी तैयारी के लिए हमने 3 तारीख संडे को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा है, जिसमें 3rd स्टैंडर्ड से और 7th स्टैंडर्ड जो बच्चे या बच्चियाँ पास हुई हैं, पास आउट हुए हैं, वो अपना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने के बाद उनका मॉक इंटरव्यू होगा, उसके बाद एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि उनको फीस के अंदर डिस्काउंट दिया जाएगा, इट्स डिपेंड अपॉन द मार्क अचीव इन द एग्ज़ाम जी। तो ये एज कितनी रहेगी बच्चों की, कौन कौन संपर्क कर सकता है, बेस्ट क्या टाइम है? बेस्ट सर टाइम अगर मैं बात करूँ, 3rd क्लास में बच्चा जब अपियर आ जाता है, 3rd क्लास से लेके और 7th स्टैंडर्ड जब पास आउट होता है, दैट इज़ द पीक टाइम फॉर द कंपटीशन एग्जाम। स्टूडेंट में अपियर इन द सैनिक स्कूल इन द क्लास ऑफ 5th स्टैंडर्ड आफ्टर 5th स्टैंडर्ड, और सेम एज इट इज 8th स्टैंडर्ड में बच्चे अपियर कर सकते हैं। सर बच्चे लड़के या लड़कियां? दोनों सर।
दोनों इसमें बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, अपियर कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ एडमिशन टारगेट करते हैं आप, मतलब वहाँ हम उस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उस स्कूल की या उस इंस्टीट्यूशन की? सर हमारा जो मोटिव है, हम ये सोचते हैं कि अगर आप बच्चों की नींव तैयार करेंगे, अगर आप बच्चों को ज्ञान देंगे, तो वो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बेशर्ते उनको फीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जो क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर फोकस करें तो जैसे कि RIMC, सैनिक, नवोदया, गुरुकुल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, ये तो हम करवा देंगे। इसके साथ साथ जिस बच्चे को बेसिक नॉलेज हो जाए, दैट इज़ अ ग्रेट सर। सर यूनिफॉर्म पहना के भी कई बार बच्चों को आप लोग लेके जाते हैं, मतलब एक फील आती है उनमें, एक जिज्ञासा होती है कि हाँ मेरे को भी बनना है। डेफिनेटली सर, देखो किसी भी सपने को अचीव करने के लिए, मैं एक थ्योरी पढ़ रहा था चार्ल्स बेबेज की, उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई, और एक बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको कुछ करना है, आप उसके बारे में सोचिए। वो एक शाहरुख खान की पिक्चर भी, उसमें बोलता है कि अगर आप किसी चीज़ के प्रति अपना इतना लगाव रखते हैं तो प्रकृति आपके साथ उसी तालमेल में काम, पूरी कायनात मिलाने की कोशिश कर देती है, है ना। तो जब तक बच्चों के अंदर फीलिंग नहीं आएगी कि मैं सैनिक हूँ, मेरे को ये एग्जाम क्लियर करना है, जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक उसका माइंड उस कंसीसियस में काम नहीं करेगा। जैसे जैसे बच्चे का इन्वायरमेंट मिलेगा, और सर देखो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वायरमेंट बेसिकली अगर उसको प्रॉपर किया जाए, डिसिप्लिन लाइफ उसको दी जाए, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है कि आप वो चीज़ पॉसिबल ना हो पाए। आप संगत का इतना असर होता है सर, आप कभी भी ट्राई करना। दो हाथ हैं, मैं मोस्टली ये एग्जाम्पल देता हूँ, दो हाथ हैं, दोनों पे आप इसके ऊपर सेंट लगाना, कभी इसको इस पॉकेट में डाल लेना, इस हाथ को इससे दूर रखना, और शाम को आप किसी को ये हाथ स्मेल करवाओगे, सुंघाओगे ना, वो बोलेगा कि यार इसमें सेंट लगा रखा है। दिस इज द फैक्टर, दिस इज द टोटली साथ रहने, ये डिसिप्लिन का, एक रूटीन का, ये संगत का फर्क है सर। अब यहाँ हमारा स्टाफ पूरा डेडिकेशन के साथ काम करता है, पूरी मैनेजमेंट लगी रहती है, तो एक इन्वायरमेंट बन जाता है। इन्वायरमेंट के साथ साथ बच्चे भी लर्निंग करते हैं, अच्छा वो कर रहा है, मैं इससे पीछे क्यों रह जाऊँ, मैं भी करूँगा, एक कंपटीशन लग जाता है, और उसका रिजल्ट फिर हम देखते हैं आफ्टर द एग्जाम सर। सर क्या एड्रेस रहने वाला है और क्या फ़ोन नंबर है, कोई कॉन्टैक्ट अगर करना चाहे? सर CMR सैनिक अकेडमी गोहाना, चोपड़ा कॉलोनी, गली नंबर 9, और ये शुभम होटल के बैक साइड में गली है, उसमें है ये, और मोबाइल नंबर 8570003249, 9728306510। क्या बात, ललित जी कुछ कहना है? यस सर, एक्चुअली सर CMR जो सैनिक अकेडमी है, इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी। क्या बात। और इसकी स्टार्टिंग CMR हरियाणा शिक्षा निकेतन नाम के एक स्कूल से हुई थी, और उस स्कूल की स्थापना मेरे पिताजी डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने की थी। स्टार्टिंग से ही मेरे फादर मेरे रोल मॉडल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर भगवान को तो मैंने देखा नहीं है, बट मेरे फादर मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आज मैं जो कुछ हूं उन्हीं के लिए हूं और उन्हीं की वजह से हूं। जब 2001 में वन तक हमारा CMR हरियाणा शिक्षा निकेतन स्कूल के बाद फादर ने 2001 में मुंडाल के अंदर ग्रीनफील्ड नाम का एक स्कूल और ओपन किया, और 2003 के अंदर जब मेरी 10+2 की एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी तो मैं एक साल एडमिशन नहीं ले पाया था कहीं पे। तो 2003 के अंदर मैंने फादर साहब से कहा सर मैं भी टीचिंग करने का इच्छुक हूँ, तो उन्होंने मुझे एक क्लास दी थी, 8th क्लास, मुझे आज भी याद है। उस क्लास के अंदर 27 स्टूडेंट थे, और फादर ने मुझे वो पूरे विश्वास के साथ मतलब हैंडल किया था कि आपको SST यहाँ पे टीच करनी है, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना अच्छा टीच करते हैं। तो सर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, उस टाइम शायद मैं टीचर नहीं था, लेकिन मैंने एक अच्छी टीचिंग की, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पर अपना 100% दूँ, और जो एफर्ट मैंने वहाँ पे लगाए, जब तक 10+2 तक मैंने जो कुछ भी सीखा था, और अपने पेरेंट्स के अनुभव से, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स का जो अनुभव होता है वो बच्चों के अंदर भी ज़रूर इंक्लूड होता है,
तो वो सारे एफर्ट मैंने लगाए और मैंने जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस था वो सारा मतलब उसके अंदर झोंक दिया। मैंने कोई क्लास की टीचिंग नहीं की, मैंने एक प्रॉपर तरीके से बच्चों के अंदर एजुकेशन मतलब हर तरह की नॉलेज एसएसटी के अंदर जितना भी जो भी कुछ होता है टॉपिक के हिसाब से मैंने वो उनको दिया। और देखिए सर, रिजल्ट मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा। उस साल प्रियंका डॉटर ऑफ बलजीत गांव सुखपुरा, हरियाणा का जो भिवानी बोर्ड है उसमें टॉप रही। और जितने भी 27 स्टूडेंट थे सभी के सभी अब वो 60% रहे सर। क्या बात है। उसके बाद 2008 तक मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके 2008 से ग्रीनफील्ड स्कूल में फिर दोबारा से टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे फादर मेरे पास प्रपोजल लेके आए कि बेटा अब हम एक और ब्रांच ओपन करना चाहते हैं। तो उनकी गाइडलाइंस में हमने CMR सैनिक एकेडमी के नाम से जुलाना के अंदर एक एकेडमी की स्थापना की, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, नवोदय विद्यालय की कोचिंग देती है। और 2014 से वो एकेडमी जुलाना में रन कर रही है। जब एकेडमी का संचालन मैंने स्टार्ट किया तो मेरे फादर ने मुझे एक ही बात बोली थी, बेटा आज मैं आपको काम सौंप रहा हूँ तो आपको एक ही मेथड के ऊपर काम करना है। आप किसी पेरेंट्स के विश्वास को छल्ली नहीं करेंगे। यदि किसी से आप कमिटमेंट कर लेते हैं तो उसको 100% कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। क्या बात, बहुत सर। मैं ऐसे ही उनके बताए गए रास्ते पर चलता रहा और यकीन मानिए CMR सैनिक एकेडमी ने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिए। और एक दिन उन्होंने मेरे से एक बात बोली, उनका कोई साथी था, उन्होंने उनको बोला कि रमेश जी आपका लड़का आपसे ज़्यादा नहीं है तो आपसे कम भी नहीं है। क्या बात है। क्योंकि उन्होंने नाम सुना था, दाएं बाएं से वो सुनते थे कि हाँ भाई डॉक्टर रमेश चंद्र जीओ का लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और उन्होंने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं। तो उस दिन उनकी आँखों में आंसू थे और मेरी आँखों में भी आंसू थे। सर मैं फिर से कहना चाहूँगा, आज मैं जो कुछ हूँ मेरी फादर जी की वजह से हूँ और उन्हीं के बताए गए कदमों पर मैं चल रहा हूँ। जो उनके नियम हैं उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे मेरे साथी संदीप जी मिले और मुझे लगा कि ये मेरा वो मजबूत कंधा है जो मुझे कभी डूबने नहीं देगा। क्या बात है। और फिर फादर साहब की एक मतलब सोच भी थी, वो चाहते थे कि CMR का नाम थोड़ा सा लार्ज स्केल पर हो। तो उस चीज़ को देखते हुए हम दोनों ने मिलके लास्ट ईयर यहाँ पर CMR सैनिक एकेडमी की स्थापना की। ये सैनिक एकेडमी चोपड़ा कॉलोनी गली नंबर 9 गोहाना के अंदर है। और जो हमारे अनुभव थे उन अनुभवों को फॉलो करते हुए हमने यहाँ काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हमारे सामने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आई। कुछ जो यहाँ लोगों के अंदर जो मानसिक नेगेटिव बातें थी उनको फॉलो करते हुए हमने उसके ऊपर प्लानिंग शुरू कर दी कि हमें इन लोगों की सोच को पॉजिटिव करके दम लेना है। तो सर हम काम करते चले गए। हमने बच्चों के लिए काम किया, पेरेंट्स से जो हमने कमिटमेंट किए थे उसको पूरा करने की कोशिश की। साथ में एक मेरी सोच है कि यदि आप मेहनती हैं तो दूसरे भी आपके साथ मेहनत करेंगे। बिल्कुल बड़ी। तो मैं हमेशा इस तथ्य पर काम करता हूँ और स्टार्टिंग से ही मेरे सब्जेक्ट का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है।
तो इस चीज़ को देखते हुए जो मेरे सहयोगी हैं, मतलब जो भी टीचर्स वगैरह जितने भी स्टाफ हैं, वो भी साथ में मेहनत करते हैं और एकेडमी का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसी मतलब चीज़ों को फॉलो करते हुए हम काम करते गए और आज हम ये साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं और लोगों ने हमारे काम को सराहा है। उन्होंने कहा कि सर एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा मेहनती, हमने संदीप जीयों जैसा और आप जैसा मेहनती करने वाला इंसान नहीं देखा। क्या बात। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोगों ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये संस्कार, विश्वास और एक लगन लेके सीएमआर एकेडमी गोहाना जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अगर आप भी अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में, आरआईएमसी में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में या फिर कहीं भी जहाँ आपकी तमन्ना है, एक विचार लेके आते हैं, ये दो ऐसे लड़ाके योद्धा आज हमारे गोहाना में हैं जो आपके सपनों के लिए लड़ जाएंगे, वो पूरा समय अपना देंगे। 24 घंटे इस एकेडमी के अंदर ये दोनों शख्सियतें रहती हैं जो कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट छोड़ करके यहाँ पे बैठे सिर्फ इस उद्देश्य के साथ कि हमें अपने आसपास के बच्चों को कामयाब बनाना है, हमें अपने बच्चों को ऐसा देखना है कि वो NDA क्रैक करें, वो एक अच्छा अफसर बने।